नमस्कार किसान भाइयों, कृषि वैज्ञानिक समाचार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है कृतिक और चलिए जान लेते हैं क्या रही आज की हेडलाइंस। अमरूद, दही और पनीर के निर्यात में रिकॉर्ड वृद्धि। 9 मार्च से शुरू होगा पूसा कृषि मेला, उन्नत तकनीकों की मिलेगी जानकारी। 25 मार्च से मिलेगा पानी, मूंग की सिंचाई में होगी आसानी। 100 यूनिट तक फ्री बिजली और अनुदान पर दुधारू पशु देगी सरकार। अब समाचार विस्तार से। फल, दही और पनीर के निर्यात में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। 2013-14 के मुकाबले इस वर्ष अमरूद के निर्यात में 260% की वृद्धि दर्ज की गई है। इस दौरान अमरूद का निर्यात बढ़कर करीब $3 मिलियन तक पहुंच गया है। वहीं दही और पनीर के निर्यात में 200% की वृद्धि दर्ज की गई है। दही और पनीर का निर्यात 10 मिलियन से बढ़कर $30 मिलियन तक हो गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान 3 दिवसीय पूसा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन करने जा रही है। ये मेला 9 से 11 मार्च तक संस्थान के ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। मेले की थीम तकनीकी ज्ञान से आत्मनिर्भर किसान है। मेले में पूसा द्वारा विकसित बासमती 1885, 1886, 1692 तथा 1847 किस्म प्रदर्शित की जाएगी। किसान इन किस्मों की खरीद भी कर सकते हैं। मेले में किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों की जानकारी भी दी जाएगी। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में 25 मार्च से नहर से पानी छोड़ा जाएगा। किसान इसका उपयोग मूंग की खेती के लिए कर सकेंगे। पिछले कुछ सालों से प्रदेश के किसान गर्मा मूंग की खेती काफ़ी उत्साह के साथ कर रहे हैं। इसकी सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था सरकार ही करती है। जिले के किसानों को मूंग की खेती के लिए तवा डैम से पानी दिया जाता है। आपको बता दें, मूंग उत्पादन में मध्य प्रदेश सबसे आगे है। पिछले साल प्रदेश में 12,16,000 मीट्रिक टन मूंग का उत्पादन हुआ था। झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरव ने प्रदेश का बजट पेश किया है। बजट में कृषि के लिए 4,092,37,00,000 रुपए आवंटित किए गए हैं। इस दौरान वित्त मंत्री ने किसानों को 100 यूनिट तक बिजली फ्री देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा, प्रदेश में गोधान विकास योजना शुरू की जाएगी। योजना के तहत किसानों से गोबर खरीदा जाएगा। प्रदेश के 40,000 लोगों को अनुदान पर दुधारू पशु दिए जाएंगे। गोवा के समग्र विकास के लिए एग्री स्मार्ट ग्राम योजना शुरू होगी। बजट में ग्राम पंचायत भवनों को ज्ञान केंद्र के रूप में विकसित करने की बात कही गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों में एक अतिरिक्त कमरे बनाने के लिए सरकार द्वारा 50,000 रुपये दिए जाएंगे। किसान भाइयों, कृषि भाई गति समाचार आपको कैसे लगे हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आज के लिए दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।